हाय गाइस, जय माता दी। तो मैं आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ सैंडविच, पनीर सैंडविच। इजी और टेस्टी, बनाना भी बहुत इजी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ हमें क्या क्या सामग्री लगने वाली है। हमें लगने वाला है शिमला मिर्ची, ये 3 शिमला मिर्ची मैंने बारीक चॉप किया है। 2 प्याज लिया है, इसको भी बारीक चॉप किया है। 1 टमाटर लिया है, इसको भी बारीक चॉप करना है। अब हमें लगने वाला है हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक को मैंने पीस लिया है। फिर लगने वाला है सेजवान चटनी, टमाटर केचप, पिज़्ज़ा सॉस, मेयोनीज, मिक्स हर्ब, रेड चिली फ्लेक्स और पनीर। पनीर यहाँ मैंने 200 ग्राम लिया है। और लगने वाली है हमें ब्रेड। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे गैस ऑन। इसमें रखेंगे हम एक पैन। ये पैन हमने गरम करने के लिए रख दिया। अब इसमें हम डालेंगे एकदम थोड़ा सा तेल। इसको हमें करना है थोड़ा सा सोते। तो अब सबसे पहले हम पैन में तेल अच्छे से फैला लेंगे और डालेंगे प्याज। प्याज अच्छे से हमारी हल्की सी गुलाबी होनी चाहिए। ये सैंडविच ज़रूर ट्राई करना आप लोग, और ये सैंडविच आपको कैसे लगा ये ज़रूर बताना मुझे। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब ये प्याज हमारी हल्की सी गुलाबी होना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची भी हल्की सी हमको सिर्फ सोते करनी है, इसका क्रंचीनेस नहीं जाना चाहिए। अभी हमारी शिमला मिर्ची भी हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े टमाटर। अब थोड़ा गैस हम कर देंगे स्लो, मैंने तेज आंच पे ही ये सब पकाया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और मिर्ची का, जो हमने उसको पीस लिया था। फिर हम डालेंगे सेजवान चटनी। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये हो चुका है। अब हम करेंगे गैस बंद और इसको निकालेंगे एक बाउल में। तो एक बाउल लिया है मैंने, अब इसको हम इसमें निकाल लेंगे। ये हमने निकाल चुके हैं। अब हम इसमें बाकी के सारे मसाले मिक्स करेंगे। मिक्स हर्ब, चिली फ्लेक्स, और इसमें मैं नमक भूल गई थी, तो नमक भी डालना है स्वाद अनुसार। थोड़ा सा नमक डालेंगे हम। इसके बाद हम डालेंगे पनीर। पनीर को हमको साथ में सोते नहीं करना है। अब इसमें हम डालेंगे सॉस 2 चम्मच। ये हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस 2 चम्मच। इसके बाद हम डालेंगे मेयोनीज भी 2 चम्मच। अब इसको हम करेंगे मिक्स। ये अब मिक्स हो चुका है और थोड़ा ठंडा भी हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे ब्रेड और अमूल का बटर। अब हम एक पटे पर ब्रेड लेंगे। तब तक हम गैस करेंगे ऑन। उस पर रखेंगे एक पैन,
चालू कर देंगे और उस पर हम पैन रख देंगे जब तक वो गर्म होगा। ब्रेड ले चुकी हूँ मैं और फीलिंग ली है जो हमने बनाई थी स्टफिंग। अब क्या करना है, ये मेयोनीज़ है और ये पिज़्ज़ा सॉस है, तो हम इसको ब्रेड पे, एक ब्रेड पे हम मेयोनीज़ को स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। और एक पे डालेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस। अब ये जो फीलिंग बनाई है हमने ये अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करना आप लोग और बताना मुझे कि ये सैंडविच आपको कैसा लगा। अब ये हमारा सैंडविच सिर्फ सीखने के लिए बाकी है। अभी हम बटर लेंगे और बटर डालेंगे हम थोड़ा सा पैन में। इसको अच्छे से हम करके अब ये सैंडविच हम रख देंगे और इसको अच्छे से हम सिकने देंगे। अब एक साइड से होने के बाद इस साइड से भी हम इसको सेक लेंगे और थोड़ा बटर डालेंगे। अच्छे धीमे आंच पे क्रिस्पी होने तक इसको हमें सेकना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा अच्छे से दोनों तरफ से भुन चुका हुआ है, सैंडविच रेडी हो चुका है। अब मैं इसको सर्विंग प्लेट पे निकाल कर आपको बताती हूँ। तो ये हमारे गर्मा गर्म सैंडविच रेडी हैं। तो गाइज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना और ये सैंडविच आपको कैसे लगे मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय गाइज़।